नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। भाजपा के नेता लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, लगातार तरह तरह के बयानबाजी होती रहती है, लगातार तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं नीतीश कुमार पर। तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये कहते नजर आए हैं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। तो दूसरी ओर अश्विनी चौबे का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इलाज की ज़रूरत है। जी हां, लगातार हमलावर हैं भाजपा के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। दरअसल एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने की खबरें चल रही हैं। हालांकि जदयू की ओर से इस तरह की खबरों को पूरी तरह से निराधार और महज अफवाह करार दिया गया है। बेगूसराय में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए गांव के कार्यकर्ता से लेकर दिल्ली ऑफिस तक के सारे दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार लालू यादव को डराते धमकाते रहे हैं, यह लुका छुपी का खेल चलता रहता है क्योंकि दोनों का गठबंधन स्वार्थ के आधार पर हुआ है। गिरिराज सिंह ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का लोभ था जो अब खत्म हो चुका है। दरअसल दो दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बहुत काम हुए, हर क्षेत्र में उन्होंने मदद की, हमने काम भी किया है, हमारी बात को वह तुरंत स्वीकार करते थे। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम तीन विभागों के मंत्री थे, वे मुझे बहुत मानते थे, मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कही थी। अब इसके बाद लगातार इस तरीके की अफवाह उड़ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में लौटने की तैयारी में है। तो वहीं आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ये सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दे कि वो राजद से अलग हो रहे हैं तो वो एनडीए में उनकी वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पैरवी करेंगे, लेकिन आखिरी फैसला भाजपा का ही होगा। तो वहीं भाजपा के नेता लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। गिरिराज सिंह ने कह दिया कि उनके लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। तो वहीं अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को इलाज करवाने की सलाह तक दे डाली, कह डाला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इलाज करने की ज़रूरत है। हालांकि जदयू की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि ये केवल व्यर्थ अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन चुनाव का वक्त है, ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी नेता अपने फायदे के लिए ही काम करेगा, कौन किस तरफ पलट कर जाएगा ये कभी कहा नहीं जा सकता। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे क्या करते हैं, किस तरीके से आने वाले चुनाव की तैयारियां करते हैं, वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।